जोरदार मेरे साथ मिलकर तालियां बजाते पूरा खाऊंगा ले लेंगे गोली। हाँ सही है, सही आज तो बनता भी है सर। हमारा खेल मंत्री पारस है, जिस चीज को छुएगा खाना बन जाएगा। प्रत्यक्ष हमने मैच देखा, वास्तव में ही एक ऐसा खुशी का क्षण है ये। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का ये जो ट्रैक एंड फील्ड का शायद देश का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अभी ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूँ इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूँ। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ दिया। भाला नहीं होता ना, तो भले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसे हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही उनको, जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी,